ओम परमात्मने नमः। प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के पिपलाद शाखीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। इस उपनिषद में पिपलाद ऋषि के सुकेशा आदि छह ऋषियों के छह प्रश्नों का क्रम से उत्तर दिया है, इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद हो गया। गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुनें। निंदा, चुगली, गाली या दूसरी दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में न पड़े और हमारा अपना जीवन यजन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहे, न केवल कानों से सुने नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगल कार्य अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्यों की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी न हो। हमारे शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपृष्ट हो, वह भी इसलिए कि हम उसके द्वारा भगवान का स्तवन करते रहे। हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में न बीते, हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके। देवता हमारी प्रत्येक इंद्रिय में व्याप्त रहकर उसका संरक्षण और संचालन करते हैं। उनके अनुकूल रहने से हमारी इंद्रियां सुगमता पूर्वक सन्मार्ग में लगी रह सकती है, अतः उससे हम प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है। जिसका सुयश सब और फैला है, वे देवराज इंद्र सर्वज्ञ पूषा अरिष्ट निवारक ताक्ष्य गरुड़ और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियाँ हैं। ये सदा हमारे कल्याण का शोषण करे। इनकी कृपा से हमारे सहित प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आधिदेविक और आदि भौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। प्रथम प्रश्न। ओमकार स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया जाता है। प्रसिद्ध है कि भारद्वाज के पुत्र सुकेशा सीवी कुमार सत्यकाम गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी कौशल देश निवासी आश्चलायन विदर्भ देशीय गभार्गव और कत्य के पौत्र कबंधी, ये वेदाभ्यास के परायण और ब्रह्मनिष्ठ यथार्थ श्रद्धापूर्वक वेदानुकूल आचरण करने वाले थे। एक बार ये चहो ऋषि परब्रह्म परमेश्वर की जिज्ञासा से एक साथ बाहर निकले। उन्होंने सुना था कि पिपलाद ऋषि इस विषय को विशेष रूप से जानते हैं, अतः ये सोचकर कि परब्रह्म के संबंध में हम जो कुछ जानना चाहते हैं वह सब वे हमें बता देंगे, वे लोग जिज्ञासु के वेश में हाथ में संविदा लिए हुए महर्षि पिपलाद के पास गए। उपयुक्त चहो ऋषियों को परब्रह्म की जिज्ञासा से अपने पास आया देखकर महर्षि पिपलाद ने उनसे कहा, तुम लोग तपस्वी हो, तुमने ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक सांगोपांग वेद पढ़े हैं, तथापि मेरे आश्रम में रहकर पुनः एक वर्ष तक श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या करो। उसके बाद तुम लोग जो चाहो मुझसे प्रश्न करना। यदि तुम्हारे पूछे हुए विषय का मुझे ज्ञान होगा तो निस्संदेह तुम्हें सब बातें भलीभांति समझा कर बता दूंगा। संबंध ऋषि के आज्ञानुसार सबने श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और तपस्या के साथ विधिपूर्वक एक वर्ष तक वहाँ निवास किया। महर्षि पिपलाद की आज्ञा पाकर वे लोग श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहीं तपस्या करने लगे। महर्षि की देखरेख में संयमपूर्वक रहकर वह एक वर्ष तक उन्होंने त्यागमय जीवन बिताया। उसके बाद वे सब पुनः पिपलाद ऋषि के पास गए तथा उनमें से सर्वप्रथम कत्य ऋषि के प्रपौत्र कंबंद ने श्रद्धा और विनयपूर्वक पूछा, भगवान, जिससे ये संपूर्ण चराचर जीव नाना रूप में उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है? कबंधी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिपलाद बोले, कात्यायन, ये बात वेदों में प्रसिद्ध है कि संपूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वर को सृष्टि के आदि में जब प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई तब उन्होंने संकल्प पूर्वक तप किया। तप से उन्होंने सर्वप्रथम रई और प्राण, इन दोनों का एक जोड़ा उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न करने का उपदेश यह था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिए नाना प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करेंगे। इस मंत्र में सबको जीव प्रदान करने वाली जो समष्टि जीव की शक्ति है उससे ही प्राण नाम दिया गया है।
इस जीवन ही शक्ति से ही प्रकृति के तुल स्वरूप में समस्त पदार्थों में जीवन स्थित और यथायोग्य सामंजस्य आता है एवं स्थूल भूत समुदाय का नाम रही रखा गया है, जो प्राण रूप जीवनी शक्ति से अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है। प्राण चेतना है, रही शक्ति और आकृति है। प्राण और रय के संयोग से ही सृष्टि का समस्त कार्य उत्पन्न होता है। इन्हीं को अन्यत्र अग्नि और सोम के नाम से भी कहा गया है। इस मंत्र में उपयुक्त प्राण और रय का स्वरूप समझाया गया है। पिपलाद कहते हैं कि यह दिखने वाला संपूर्ण जगत प्राण और रय इन दोनों तत्वों के संयोग या सम्मिश्रण से बना है, इसलिए यद्यपि इन्हें पृथक पृथक करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समझो, ये सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही प्राण है, क्योंकि इसमें सबको जीवन प्रदान करने वाली चेतना शक्ति की प्रधानता और अधिकता है। ये सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्ति का घनीभूत स्वरूप है। उसी प्रकार ये चंद्रमा ही रही है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली भूत तन्मात्राओं की ही अधिकता है। समस्त प्राणियों के स्थूल शरीर का पोषण इस चंद्रमा की शक्ति को पाकर ही होता है। हमारे शरीर में ये दोनों शक्तियां प्रत्येक अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। उनमें जीवनी शक्ति का संबंध सूर्य से और मांस मेद आदि स्थूल तत्वों का संबंध चंद्रमा से ही है। इस मंत्र में संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में जो जीवनी शक्ति है उसके साथ सूर्य का संबंध दिखाया गया है। भाव यह है कि रात्रि के बाद जब सूर्य उदय होकर पूर्व दिशा में अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय वहां के प्राणियों के प्राणों की अपनी किरणों में धारण करता है, अर्थात उसकी जीवनी शक्ति का सूर्य की किरणों से संबंध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति आ जाती है। उसी प्रकार जिस समय जिस दिशा में जहाँ जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है वहाँ वहाँ के प्राणियों को स्फूर्ति देना देता रहता है, अतः सूर्य ही समस्त प्राणियों का प्राण है। प्राणियों के शरीरों में जो वैश्वानर नाम से कही जाने वाली जठराग्नि है उससे अन्न का पाचन होता है। गीता अध्याय 15वां 14वां श्लोक। वह सूर्य का ही अंश है, अतः सूर्य ही है, तथा जो प्राण अपान समान व्यान और उदान इन पांच रूपों में विभक्त प्राण है वह भी उस उदित होने वाले सूर्य का ही अंश है, अतः सूर्य ही है। यही बात अगली ऋचा द्वारा समझाई गई है। इस सूर्य के तत्व को जानने वाले का कहना है कि ये किरण जाल में मंडित एवं प्रकाशमय तपता हुआ सूर्य विश्व के समस्त रूपों का केंद्र है। सभी रूप मतलब रंग और आकृतियां सूर्य से उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। ये सविता ही सबका उदित स्थान है और यही सबकी जीवन ज्योति का मूल स्त्रोत्र है। ये सर्वज्ञ और सर्वाधार है, वैश्वानर अग्नि और प्राण शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण किए हुए है। समस्त जगत का प्राण रूप सूर्य एक ही है। इसके समान इस जगत में दूसरी कोई भी जीवनी शक्ति नहीं है। यह सहस्त्रों किरणों वाला सूर्य हमारे करोड़ों प्रकार के व्यवहार सिद्ध करता हुआ उदय होता है। जगत में उष्णता और प्रकाश फैलाना, सबको जीवन प्रदान करना, ऋतुओं का परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हुआ संपूर्ण सृष्टि का जीवनदान प्राण ही सूर्य के उस रूप में उदित होता है। संबंध इस प्रकार यहाँ तक कात्यायन कबंध के प्रश्नानुसार संक्षिप्त में ये बतलाया गया कि उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर से ही उसके संकल्प द्वारा प्राण और रय के संयोग से इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति आदि होती है। अब इस प्राण शक्ति और रय शक्ति के संबंध से परमेश्वर की उपासना का प्रकार और उसका फल बताने के लिए दूसरा प्रकरण आरम्भ करते हैं। इस मंत्र में स्तव संवत्सर को परमात्मा का प्रतीक बनाकर उसके अंग रूप रई स्थानीय भोग्य पदार्थों के उद्देश्य की जानने वाली उपासना और उसका फल बताते हैं। भाव यह है कि 12वें महीनों का ये संवत्सर रूप काल ही मानव सृष्टि के स्वामी मन परमेश्वर का स्वरूप है। इसके दो अयन है, दक्षिण और उत्तर। दक्षिणायन के जो 6 महीने हैं जिसमें सूर्य दक्षिण की ओर घूमता है, ये मानो इसके दक्षिण अंग हैं, और उत्तरायण के 6 महीने हैं उत्तर अंग हैं।
उनमें उत्तर अंग तो प्राण है, इस विश्व की आत्मा रूप उस परमेश्वर का अंतर सर्वांतर्यामी स्वरूप है और दक्षिण अंग रे यथार्थ उसका बाह्य भोग्य स्वरूप है। इस जगत में जो संतान की कामना वाले ऋषि सर्व स्वर्ग आदि संसारिक भोगों में आसक्त हैं, वे यज्ञ आदि द्वारा देवताओं को पूजन करना, ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषों का धनादि से सत्कार करना, दुखी ब्राह्मणों की सेवा करना आदि इष्ट कर्म तथा कुआ, बावली, तालाब, बगीचा, धर्मशाला, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय आदि परोपकारी चिरस्थायी स्मारकों की स्थापना कराना आदि पूर्त कर्मों को उत्कृष्ट कर्तव्य समझते हैं और इसके फलस्वरूप इस लोक तथा परलोक के भोगों के उपदेश से इनकी उपासना यथात विधिवत अनुष्ठान करते हैं। ये उस संवत्सर परमेश्वर के दक्षिण अंग की उपासना है। इसको ईशावास्य उपनिषद में असंभूति की उपासना के नाम से देव पितर मनुष्य आदि शरीरों की सेवा बताया है। इसके प्रभाव से वे चंद्रमा को प्राप्त होते हैं और वहाँ अपने कर्मों का फल भोगकर पुनः इस लोक में लौट आते हैं। वही पितृयान मार्ग है। उपयुक्त सकाम कर्मों उपासना उपासकों से भिन्न जो कल्याणकामी साधक हैं, वे इस सांसारिक भोग की अनित्यता और दुखरूपता को समझकर इससे सर्वथा विरक्त हो जाते हैं। वे श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संयम के साथ त्याग में जीवन बिताते हैं और अध्यात्म विद्या के द्वारा सर्व यथार्थ परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले किसी भी अनुकूल साधन द्वारा सबके आत्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर की निष्काम उपासना करते हैं। ये मानो उस संवत्सर रूप प्रजापति के उत्तर अंग की उपासना है। इसको ईशावास्य उपनिषद में संभूति की उपासना कहा है। इसके उपासक उत्तरायण मार्ग से सूर्यलोक में जाकर सूर्य के आत्मरूप परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। यह सूर्य ही समस्त जगत के प्राणियों का केंद्र है। यही अमृत अविनाशी और निर्भय पद है। यही परम गति है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर लौट कर नहीं आते। ये निरोध यथार्थ पुनर्जन्म को रोकने वाला अत्यंतिक प्रलय है। इस मंत्र में सूर्य को परमेश्वर का स्वरूप मानकर ही उपयुक्त महिमा कही गई है। इस बात को अगला मंत्र में स्पष्ट किया गया है। परब्रह्म परमेश्वर के प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर स्वरूप इस सूर्य के विषय में कितने ही तत्ववेता तो ये कहते हैं कि इसके पांच पैर हैं। यथार्थ छह ऋतुओं में से हेमंत और शिशिर इन दो ऋतुओं की एकता करके पांच ऋतुओं को वे इस सूर्य के पांच चरण बतलाते हैं तथा ये भी कहते हैं कि 12 महीने ही इसकी 12 आकृतियां यथार्थ 12 शरीर है। इसका स्थान स्वर्गलोक से भी ऊंचा है। स्वर्गलोक भी इसके इस आलोक से प्रकाशित है। इस लोक में जो जल बरसता है उस जल की उत्पत्ति इसी से होती है। अतः सबको जल रूप जीवन प्रदान करने वाला इससे होने से यह सबका पिता है। दूसरे ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि लाल, पीले और 7 रंगों की किरणों से युक्त तथा वसंत आदि 6 ऋतुओं के हेतुभूत इस विशुद्ध प्रकाश में सूर्यमंडल में जिसे 7 चक्र एवं 6 आरोह वाला रथ कहा गया है बैठा हुआ इसका आत्मरूप सबको भलीभांति जानने वाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य है। यह स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला सूर्यमंडल उसका शरीर है, इसलिए यह उसी की महिमा है। इस मंत्र में महीनों को प्रजापति परमेश्वर का रूप देखकर कर्मों द्वारा उसकी उपासना करने का रहस्य बताया गया है। भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानव प्रजापति है। उसमें कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो उस परमात्मा का दाहिना अंग है। इसे रही मतलब स्थूलभूत समुदाय का कारण समझना चाहिए। ये उस परमेश्वर का शक्ति रूप भोगमय रूप है और शुक्ल पक्ष के 15 दिन ही मानव उत्तरंग है। यही प्राण यथार्थ सबको जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा का सर्वांतर्यामी रूप है। इसलिए जो कल्याणकामी ऋषि हैं अर्थात जो रई स्थानीय भोग पदार्थों के विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्म रूप पर ब्रह्म को चाहने वाले हैं वे अपने समस्त शुभ कर्मों को शुक्ल पक्ष में करते हैं। अर्थात शुक्ल पक्षीय स्थानीय प्राणाधार पर ब्रह्म परमेश्वर के अर्पण करके कहते हैं स्वयं उसका कोई फल नहीं चाहते। यही गीतोत्कर्म योग है।
इनसे भिन्न जो भोगासक्त मनुष्य हैं वे कृष्ण पक्ष में यथार्थ कृष्ण पक्ष स्थानीय स्थूल पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश्य सब कर्मों के कर्म किया सब प्रकार के कर्मों किया करते हैं। इसका वर्णन गीता में स्वर्ग पराह के नाम से हुआ है। गीता अध्याय सेकंड। इस मंत्र में दिन और रात्रि रूप 24 घंटे के काल रूप में परमेश्वर के स्वरूप की कल्पना करके जीवनोपयोगी कर्मों का रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि दिन और रात्रि मिलकर जगतपति परमेश्वर का पूर्ण रूप है। उसका यह दिन तो मानो प्राण यथार्थ सबको जीवन देने वाला प्रकाश में विशुद्ध स्वरूप है और रात्रि ही भोग रूप रही है। अतः जो मनुष्य दिन में स्त्री प्रसंग करते हैं अर्थात परमेश्वर के विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा से प्रकाश में मार्ग में चलना आरंभ करके भी स्त्री प्रसंग आदि विलास में आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ खो देते हैं। उनसे विभिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहने वाले हैं वे यदि शास्त्र के नियमानुसार ऋतुकाल में स्त्री के रात्रि में समय नियमों को नियमानुकूल स्त्री प्रसंग करते हैं तो वे शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के कारण ब्रह्मचारी के तुल्य ही है। लौकिक दृष्टि से तो यो कह सकते हैं कि इस मंत्र में गृहस्थों को दिन में स्त्री प्रसंग कदापि न करना और विहित रात्रियों में शास्त्रानुसार नियमित और संयमित रूप में केवल संतान की इच्छा से स्त्री सहवास करने का उपदेश किया गया है, तभी वह ब्रह्मचर्य की गणना में आ सकता है। इस मंत्र में अन्न को प्रजापति का स्वरूप बतलाकर अन्न की महिमा बताते हुए कहते हैं, ये सब प्राणियों का आहार रूप अन्न ही प्रजापति है क्योंकि इससे वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्य से समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस अन्न को भी प्रकरण से प्रजापति माना गया है। संबंध अब पहले बताए हुए दो प्रकार के साधकों को मिलने वाले पृथक पृथक फल का वर्णन करते हैं। जो लोग संतानोपाधि रूप प्रजापति के व्रत का अनुष्ठान करते हैं अर्थात स्वर्गादि लोगों के भोगों की प्राप्ति के लिए शास्त्र विहित शुभकर्मों का आचरण करते हुए नियमानुसार स्त्री प्रसंग आदि भोगों का उपभोग करते हैं, वे तो पुत्र और कन्या रूप जोड़ों को उत्पन्न करके प्रजा की वृद्धि करते हैं और जो उनसे भिन्न है उसमें ब्रह्मचर्य और तप भरा हुआ है, जिसका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्य स्वरूप परमेश्वर को अपने हृदय में नित्य स्थिर देखते हैं उन्हीं को वह ब्रह्मलोक परम पद परम गति मिलता है, दूसरों को नहीं। जिसमें कुटिलता का लेश भी नहीं है, जो स्वप्न में भी मिथ्या भाषण नहीं करते और असत्यमय आचरण से सदा दूर रहते हैं, जिसमें राग द्वेष आदि विकारों का सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकार के छल कपटों से शून्य है, उन्हीं को वह विकार रहित विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। जो इससे विपरीत लक्षणों वाले हैं उसको नहीं मिलता। प्रथम प्रश्न समाप्त। द्वितीय प्रश्न। इस मंत्र में भार्गव ऋषि ने महर्षि पिपलाद से तीन बातें पूछी हैं। एक, प्रजा को यानी प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं? दूसरा, उनमें से कौन कौन इसको प्रकाशित करने वाले हैं? तीसरा, इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ कौन है? इस पर भार्गव के पूछने पर महर्षि पिपलाद उत्तर देते हैं। यहाँ दो प्रश्न का उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है। वे कहते हैं कि सबका आधार तो वे वैसे आकाश रूप देवता ही है, परंतु उससे उत्पन्न होने वाले वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये चारों महाभूत भी शरीर को धारण कर किए रहते हैं। ये स्थूल शरीर इन्हीं से बना है, इसलिए धारण देवता है। वाणी आदि पांच कर्मेंद्रिया, नेत्र और कान आदि पांच ज्ञानेन्द्रिया एवं मन आदि चार अंतकरण, ये 14 देवता इस शरीर के प्रकाशक है। ये देवता देह को धारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिए ये धारक और प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये इस देह को प्रकाशित करके आपस में झगड़ पड़े और अभिमान पूर्वक परस्पर कहने लगे कि हमने शरीर को आश्रय देकर धारण कर रखा है। इस प्रकार जब संपूर्ण महाभूत इंद्रिय और अंतकरण रूप देवता समस्त परस्पर विवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ पुराण ने उससे कहा, तुम लोग आका अज्ञानवश आपस में विवाद मत करो, तुम में से किसी में भी इस शरीर को धारण करने या सुरक्षित रखने की शक्ति नहीं है। इसे तो मैंने ही अपने को प्राण अपान समान व्यान और उदान पांच भागों में विभक्त करके आश्रय देते हुए धारण कर रखा है और मुझ से ही यह सुरक्षित है। प्राण की यह
बात सुनकर भी उस देवताओं ने उस पर विश्वास नहीं किया, वे अविश्वासी ही बने रहे। तब उनको अपना प्रभाव दिखलाकर असावधान करने के लिए वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमान में ठेस लगाने से मानो रूठ कर इस शरीर से बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर उठने लगा। फिर तो सबके सब देवता विवश होकर उससे के साथ बाहर निकलने लगे। कोई भी स्थिर नहीं रह सका। जब ये अपने स्थान पर स्थिर हो गया तब अन्य सब भी स्थिर हो गए। जैसे मधुमक्खियों का राजा जब अपने स्थान से उठता है तब उसके साथ ही वहाँ बैठी हुई अन्य सब मधुमक्खियाँ भी उड़ जाती है, और जब वह बैठ जाता है तब अन्य सब भी बैठ जाती है। ऐसी दशा इन सब वागादि देवताओं की भी हुई। ये देखकर वाणी चक्षु श्रोत्र आदि सब इंद्रियों को और मन आदि अंतकरण की वृत्तियों को भी ये विश्वास हो गया कि हम सब में प्राणी श्रेष्ठ है। अतः वे सब प्रसन्नतापूर्वक निम्न प्रकार से प्राण की स्तुति करने लगे। संबंध प्राण को ही परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानना उपासना करने के लिए उसका सर्वात्म रूप से महत्व बतलाया जाता है। वे वाणी सब देवता स्तुति करते हुए बोले, ये प्राण ही अग्नि रूप धारण करके तपता है, और यही सूर्य है, यही मेघ इंद्र और वायु है, यही देव पृथ्वी और रही मतलब भूत समुदाय है, तथा सत और असत एवं उससे भी श्रेष्ठ जो अमृत स्वरूप परमात्मा है वह भी ये प्राणी है। जिस प्रकार रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए अरे नाभि के ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेद की सब ऋचाएं, यजुर्वेद के समस्त मंत्र, सबका सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञादि शुभकर्म और यज्ञादि शुभकर्म करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग, ये सबके सब प्राण के आधार पर ही टिके हुए हैं। सबका आश्रय प्राणी है। संबंध इस प्रकार प्राण का महत्व बतलाकर अब उसकी स्तुति की जाती है। हे प्राण, तू ही प्रजापति मतलब प्राणियों का ईश्वर है। तू ही गर्भ में विचरने वाला और माता पिता के अनुसार संतान के रूप में जन्म लेने वाला है। ये सब जीव तुझे ही भेंट समर्पण करते हैं। भाव ये है कि तुम्हारी तृप्ति के लिए ही अन्न भक्षण आदि कर रहे हैं। तू ही अपानादि सब प्राणों के सहित सबके शरीर में स्थित हो रहा है। ये प्राण तू ही देवताओं के लिए हवि पहुंचाने वाला उत्तम अग्नि है, पितरों के लिए पहली स्वधा है, अथर्वांग रस आदि ऋषियों के द्वारा आचरित मतलब अनुभूत सत्य भी तू ही है। ये प्राण तू सब प्रकार के तेज शक्तियों से संपन्न तीनों लोकों का स्वामी इंद्र है। तू ही प्रलय काल में सबका संहार करने वाला रुद्र है, और तू ही सबकी बलिभाति यथा योग्य रक्षा करने वाला है। तू ही अंतरिक्ष में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में विचरने वाला वायु है, तथा तू ही अग्नि चंद्र आ रही तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य है। हे प्राण, जब तू मेघरूप होकर पृथ्वी लोक में सब और वर्षा करता है तब तेरी यह संपूर्ण प्रजा हम लोगों के जीवन निर्वाह के लिए यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा ऐसी आशा करती हुई आनंद में मग्न हो जाती है। ये प्राण तो संस्कार रहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। तात्पर्य है कि तू स्वभाव से ही शुद्ध है, अतः तुझे संस्कार द्वारा शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत तू ही सबको पवित्र करने वाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। हम लोग सब इंद्रिया और मन आदि तेरे लिए नाना प्रकार की भोजन सामग्री अर्पण करने वाले हैं, और तू उसे खाने वाला है। तू ही समस्त विश्व का उत्तम स्वामी है। हे आकाशचारी, हे आकाशचारी समष्टि वायु स्वरूप प्राण तो हमारी भी पिता है तुम्हारी, क्योंकि तुमने हम सबकी उत्पत्ति की है, तुझी से हम सबकी उत्पत्ति हुई है। हे प्राण, जो तेरा स्वरूप वाणी श्रोत्र चक्षु आदि समस्त इंद्रियों में और मन आदि अंतकरण की वृत्तियों में व्याप्त है, इसे तू कल्याणमय बना ले। यथार्थ तुझ में जो हमें सावधान करने के लिए आवेश आया है उसे अशांत कर ले, और तू शरीर से उठकर बाहर न जाए हम लोगों की प्रार्थना है।
प्रत्यक्ष दिखने वाले इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं और जो कुछ स्वर्ग में स्थित हैं, वे सब के सब इस प्राण के ही अधीन हैं। यह सोचकर ये वे इंद्रादि देवगण अंत में प्राण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्राण, जिस प्रकार माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर। तू हम लोगों को श्री क्रांति कांति यथार्थ कार्य करने की शक्ति और प्रज्ञा मतलब ज्ञान प्रदान कर। इस प्रकार इस प्रकरण में पारगव ऋषि द्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलाद ने यह बात समझाई कि समस्त प्राणियों के शरीरों को अवकाश देकर बाहर और भीतर से धारण करने वाला आकाश तत्व है। साथ ही इस शरीर के अवयवों की पूर्ति करने वाले वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये चार तत्व है। इस 10 इंद्रिया और अंतकरण ये इसको प्रकाश देकर क्रियाशील बनाने वाले हैं। इन सब से श्रेष्ठ प्राण है, अतः एवं प्राण ही वास्तव में इस शरीर को धारण करने वाला है। प्राण के बिना शरीर को धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। अन्य सब इंद्रिया आदि में इसकी शक्ति अनुचित है। इसकी शक्ति पाकर वे शरीर को धारण करते हैं। इस प्रकार प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन छांदोपनिषद में 5वें अध्याय के आरंभ में और बृहदारण्यक के उपनिषद में 6ठे अध्याय के आरंभ में भी आया है। इस प्रकरण में प्राण की स्तुति का प्रसंग अधिक है। द्वितीय प्रश्न समाप्त। तृतीय प्रश्न। इस मंत्र में अश्वलायन मुनि ने महर्षि पिप्पलाद से कुल 6 बातें पूछी है। एक, जिस प्राण की महिमा का आपने वर्णन किया वह प्राण किससे उत्पन्न होता है? दूसरा, वह इस मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तीसरा, अपने को विभाजित करके किस प्रकार शरीर में स्थित रहता है? और चौथा, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय पहले शरीर से किस प्रकार निकलता है? पाँचवा, इस बाह्य 5 भौतिक जगत को किस प्रकार धारण करता है? तथा छठा, मन और इंद्रिय आदि आध्यात्मिक मतलब आंतरिक जगत को किस प्रकार धारण करता है? यह प्राण के विषय में वे ही बातें पूछी गई है जिसका वर्णन पहले उत्तर में नहीं आया है और जो पहले प्रश्न के उत्तर को सुनकर ही स्फुरित हुए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नोत्तर के समय सुकेश आदि 6 ऋषि वहां साथ साथ बैठे सुन रहे थे। इस मंत्र में महर्षि पिप्पलाद ने अश्वलायन मुनि के प्रश्नों को कठिन बतलाकर उनकी बुद्धिमता और तर्क संशीलता की प्रशंसा की है और साथ ही ये भाव भी दिखाया है कि तू जिस ढंग से पूछ रहा है उसे देखते हुए तो मुझे तेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए, परंतु मैं जानता हूँ कि तू तर्क बुद्धि से नहीं पूछ रहा है। तू श्रद्धालु है, वेदों में निष्णात है, अतः मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। यह महर्षि पिप्पलाद ने क्रम से अश्वलायन ऋषि के 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि जिसका प्रकरण चल रहा है वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। वह परब्रह्म परमेश्वर ही उसका उपादान कारण है और वही उसकी रचना करने वाला है, अतः इसकी स्थिति उस सर्वात्मा महेश्वर के अधीन उसी के आश्रित है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी मनुष्य की छाया उसके अधीन रहती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि मन द्वारा किए हुए संकल्प से वह शरीर में प्रवेश करता है। भाव यह है कि मरते समय प्राणी के मन में उसके कर्मानुसार जैसा संकल्प होता है उससे वैसा ही शरीर मिलता है, अतः प्राणों का शरीर में प्रवेश मन के संकल्प से ही होता है। संबंध अब अश्वलायन के तीसरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक आरंभ किया जाता है। यह महर्षि उदाहरण द्वारा तीसरे प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट भिन्न भिन्न ग्राम मंडल और जनपद आदि में पृथक पृथक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उनका कार्य बांट देता है, उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण ही अपने अंग स्वरूप अपान व्यान आदि दूसरे प्राणों को शरीर के पृथक पृथक स्थानों में पृथक पृथक कार्यों के लिए नियुक्त कर देता है। संबंध अब मुख्य प्राण अपान और समान इन तीनों का वास स्थान और कार्य बताया जाता है। यह स्वयं तो मुख और नासिका द्वारा विचरता हुआ नेत्र और स्त्रोत्र में स्थित रहता है तथा गुदा और उपस्थ में अपान को उपस्थित करता है। उसका काम मलमूत्र को शरीर के बाहर निकाल देना है, रजवीर्य और गर्भ को बाहर
करना भी उसका काम है, शरीर के मध्य भाग नाभि में समान को रखता है, वह समान वायु को ही प्राण रूप अग्नि में हवन किए हुए उदार में डाले हुए अन्न को यथार्थ उसके सार को संपूर्ण शरीर में अंग प्रत्यंगों में यथा योग्य संभाव से पहुंचाता है। उस अन्न के सारभूत रस से ही रस इस शरीर में ये सात ज्वालाएं यथार्थ समस्त विषयों को प्रकाशित करने वाले दो नेत्र, दो कान, दो नासिकाएं और एक मुख रसना, ये सात द्वार उत्पन्न होते हैं। ये उस रस से पुष्ट होकर ही ये अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। संबंध अभव्यान की गति का वर्णन किया जाता है। इस शरीर में जो हृदय प्रदेश है, जो जीवात्मा का निवास स्थान है, उसी में 101 मूलभूत नाड़ियां हैं। उनमें से प्रत्येक नाड़ी की एक एक सौ नाड़ियां 100 शाखा नाड़ियां हैं और प्रत्येक शाखा नाड़ियों की 72,000 प्रति शाखा नाड़ियां हैं। इस प्रकार इस शरीर में कुल 72 करोड़ नाड़ियां हैं। इन सब में व्यान वायु विचरण करता है। संबंध अब उदान का स्थान और कार्य बताते हैं, साथ ही आश्वलायन के चौथे प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। इन ऊपर बताए हुए 72 करोड़ नाड़ियों से भिन्न एक नाड़ी और है जिसको सुषुम्ना कहते हैं, जो हृदय से निकलकर ऊपर मस्तक में गई है। उसके द्वारा उदान वायु शरीर में ऊपर की ओर विचरण करता है। इस प्रकार आश्वलायन के तीसरे प्रश्न का समाधान करके अब महर्षि उसके चौथे प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त में देते हैं। जो मनुष्य पुण्यशील होता है, जिसके शुभकर्मों के भोग उदय हो जाते हैं, उसे उस उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इंद्रियों के सहित वर्तमान शरीर से निकलकर पुण्यलोक में यथार्थ स्वर्गादि उच्च लोक में ले जाता है। पाप कर्मों से युक्त मनुष्य को सुकर कुकर आदि पाप योनियों में और रोरो आदि नरकों में ले जाता है, और तथा जो पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का मिश्रण फल भोगने के लिए अभिमुख हुए रहते हैं उसको मनुष्य शरीर में ले जाता है। एक शरीर से निकलकर जब मनुष्य मुख्य प्राण उदान को साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे शरीर में जाता है, तब अपने अंग भूत समान आदि प्राणों को तथा इंद्रिय और मन को तो साथ ले ही जाता है। इन सब का स्वामी जीवात्मा भी उसके साथ जाता है। गीता अध्याय 15:8 श्लोक ये बात यहाँ कही थी, इसलिए पूर्व मंत्र में जीवात्मा का स्थान हृदय बताया गया है एवं इसका स्पष्टीकरण 10वें मंत्र में किया गया है। संबंध अब दो मंत्रों में आश्लायन के 5वें और 6ठे प्रश्न का उत्तर देते हुए जीवात्मा के प्राण और इंद्रियों सहित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की बात भी स्पष्ट करते हैं। ये निश्चयपूर्वक समझना चाहिए कि सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है। ये मुख्य प्राण सूर्य रूप से उदय होकर इस शरीर के बाह्य अंग प्रत्यंग को पुष्ट करता है और नेत्र इंद्रिय रूप आध्यात्मिक शरीर पर अनुग्रह करता है। उसे देखने की शक्ति यथार्थ प्रकाश देता है। पृथ्वी में जो देवता यथार्थ पान वायु की शक्ति है, वह मनुष्य के भीतर रहने वाले अपान वायु को आश्रय देती है, टिकाए रखती है। इस प्रकार अपान वायु की शक्ति गुदावर उपस्थ इंद्रियों की सहायता है तथा उसके बाहरी स्थूल आकार को धारण करती है। पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच का जो आकाश है, वही समान वायु का बाह्य स्वरूप है। वही शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों को आकार देकर उसकी रक्षा करता है और शरीर के भीतर रहने वाले समान वायु को विचरने के लिए शरीर में अवकाश देता है। इसी की सहायता से श्रोत्र इंद्रिय शब्द सुन सकती है। आकाश में विचरने वाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यान का बाह्य स्वरूप है। इस शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों को चेष्टाशील करता है और शांति प्रदान करता है। भीतरी व्यान वायु को नाड़ियों में संचारित करने तथा त्वचा इंद्रियों को स्पर्श का ज्ञान करने में भी यह सहायता है। सूर्य और अग्नि का जो बाहरी तेज यथार्थ उष्णत्व है, वही उदान का बाह्य स्वरूप है। वह शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों को ठंडा नहीं होने देता और शरीर के भीतर की उष्मा को भी स्थिर रखता है। जिसके शरीर से उदान वायु निकल जाता है, उसका शरीर गर्म नहीं रहता, अतः शरीर की गर्मी शांत हो जाती है। उसमें
रहने वाला जीवात्मा मन में विलीन हुए इंद्रियों को साथ लेकर उदान वायु के साथ साथ दूसरे शरीर में चला जाता है। अध्याय 15वां 8वां श्लोक। अब अश्लायन के चौथे प्रश्न में आई हुई एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में या दुलोकों में प्रवेश करने की बात पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है। मरते समय इस जीवात्मा का जैसा संकल्प होता है, इसका मन अंतिम क्षण में जिस भाव का चिंतन करता है, गीता अध्याय 8 6 श्लोक, उस संकल्प के सहित मन इंद्रियों को साथ ले लिए हुए ये मुख्य प्राण में स्थिर हो जाता है। वह मुख्य प्राण उदान वायु से मिलकर अपने सहित मन और इंद्रियों से युक्त जीवात्मा को उस अंतिम संकल्प के अनुसार यथायोग्य भिन्न भिन्न लोक अथवा योनियों में ले जाता है। अतः मनुष्य को उचित है कि अपने मन में निरंतर एक भगवान का ही चिंतन रखे, दूसरा संकल्प न आने दे, क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है। न जाने कब अचानक इस शरीर का अंत हो जाए। यदि उस समय भगवान का चिंतन न होकर कोई दूसरा संकल्प आ गया तो वह सदा की भांति पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। संबंध अब प्राण विषयक ज्ञान का सांसारिक और पारलौकिक फल बतलाते हैं। जो कोई विद्वान इस प्रकार इस प्राण के रहस्य को समझ लेता है, प्राण के रहस्य महत्व को समझकर हर प्रकार से उसे सुरक्षित रखता है, उसकी अवहेलना नहीं करता, उसकी संतान परंपरा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीर्य अमोघ और अद्भुत शक्ति संपन्न हो जाता है, और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझकर अपने जीवन को सार्थक बना लेता है, एक क्षण भी भगवान के चिंतन से शून्य नहीं रहने देता, तो सदा के लिए अमर हो जाता है, अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाता है। इस विषय पर निम्नलिखित रचा है। उपयुक्त विवेचन के अनुसार जो मनुष्य प्राण की उत्पत्ति को यथार्थ ये जिसके जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है इस रहस्य को जानता है, शरीर में उसके शरीर प्रवेश करने की प्रक्रिया तथा उसकी व्यापकता का ज्ञान रखता है, तथा जो प्राण की स्थिति को यथार्थ बाहर और भीतर वो कहाँ कहाँ वह रहता है इस रहस्य को तथा उसके बाहरी और भीतर यथार्थ आदि भौतिक और आध्यात्मिक पांचों भेदों के रहस्य को भलीभांति समझ लेता है, वह अमृत स्वरूप परमानंदमय परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है तथा उस आनंदमय के संयोग सुख का निरंतर अनुभव करता है। तृतीय प्रश्न समाप्त। चतुर्थ प्रश्न। यहाँ गार्ग मुनि ने महात्मा पिपलाद से 5 बातें पूछी हैं। गाढ़ निंद्रा के समय इस मनुष्य शरीर में रहने वाले पूर्वोक्त देवताओं में से कौन कौन सोते हैं? दूसरा प्रश्न, कौन कौन जागते रहते हैं? तीसरा, सपनावस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता रहता है? और चौथा, निंद्रा अवस्था में सुख का अनुभव किसको होता है? और पांचवा, ये सब के सब देवता सर्वभाव से किस में स्थित है, यथार्थ किसके आश्रित है? इस प्रकार इस प्रश्न में गार्गी मुनि ने जीवात्मा और परमात्मा का पूरा पूरा तत्व पूछ लिया। इस मंत्र में महात्मा पिपलाद ऋषि ने गार्ग के पहले प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया है। गार्ग जब सूर्य अस्त होता है उस समय उसकी सब और फैली हुई संपूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेज पुंज में मिलकर एक हो जाती है, ठीक उसी प्रकार गाढ़ निंद्रा के समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता यथार्थ सब की सब इंद्रिया उन सब से श्रेष्ठ जो मन रूप देवता है उसमें विलीन होकर तद्रूप हो जाती है। इसलिए उस समय ये जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न मल मूत्र का त्याग करता है और न मैथुन का सुख ही भोगता है। भाव यह है कि उस समय दसों इंद्रिया का कार्य सर्वथा बंद रहता है। केवल लोग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है। उसके जागने पर पुनः वे सब इंद्रिया मन से पृथक होकर अपना अपना कार्य करने लगती है, ठीक वैसे ही जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणें पुनः सब और फैल जाती है। संबंध अब गर्ग के प्रश्न का संक्षेप से उत्तर देकर दो मंत्रों द्वारा यह भी बतलाते हैं कि सब इंद्रियों के लय होने पर मन की कैसी स्थिति रहती है। उस समय इस मनुष्य शरीर रूप नगर में पांच प्राण रूप अग्निया ही जागती रहती है। ये गार्ग द्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्न का संक्षेप में उत्तर है। यह निंद्रा को
यज्ञ का रूप देने के लिए पांचों प्राणों को अग्नि रूप बताया है। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है, इसलिए यह संक्षिप्त प्राण मात्र को अग्नि के नाम से कह दिया, परंतु आगे इस यज्ञ के रूप में किस प्रकृति की, किस प्राण वृत्ति की किसके स्थान में कल्पना करनी चाहिए, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। कहना यह है कि शरीर में जो पांच जो प्राण की अपान वृत्ति है, ये मानो उस यज्ञ की गहपत्य अग्नि है। व्यान दक्षिणाग्नि है, गहपत्य अग्नि रूप अपान से प्राण उठते हैं, इस कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञ की कल्पना में आवानी अग्नि है, क्योंकि यज्ञ में आवानी अग्नि गृहपत्य से उठाकर लाई जाती है। पहले तीसरे प्रश्न के प्रसंग में भी प्राण को अग्नि रूप आहुति जिसमें हवन की जाती है, इस व्युक्ति द्वारा आवानी अग्नि ही बताया है। ये जो मुख्य प्राण का श्वास प्रश्वास के रूप में शरीर के बाहर निकलना और भीतर लौट जाना है, यही मानो इस यज्ञ में आहुतियां पड़ती है। इस आहुतियां द्वारा जो शरीर के पोषक तत्व शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, वे ही हवि है। उस हवि को समस्त शरीर में आवश्यकता अनुसार संभव से पहुंचाने का कार्य समान वायु का, इसलिए उसे समान कहते हैं। वही इस रूपक में मानो होता यथार्थ हवन करने वाला ऋत्विक है। अग्निरूप होने पर भी आहुतियों को पहुंचाने का कार्य करने के कारण इसे होता कहा गया है। पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है, और उदान वायु ही मानो उस यजमान का अभीष्ट फल है, क्योंकि जिस प्रकार अग्निहोत्र करने वाले यजमान को उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके कर्मफल भुगताने के लिए कर्मानुसार स्वर्गादि लोकों में ले जाता है, उसी प्रकार उस उदान वायु मन को प्रतिदिन निंद्रा के समय उसके कर्म फल के भोग स्वरूप ब्रह्मलोक में परमात्मा के निवास स्थान गुह हृदय गुफा में ले जाता है। वहां इस मन के द्वारा जीवात्मा निंद्रा जनित विश्राम रूप सुख का अनुभव करता है, क्योंकि जीवात्मा का निवास स्थान भी वही है। ये बात छठे मंत्र में कही है, यहाँ ब्रह्म गप गमयति, इस ब्रह्म गमयति से ये बात नहीं समझनी चाहिए कि निंद्राजनित सुख ब्रह्म प्राप्ति के सुख की किसी भी अंश में समानता कर सकता है, क्योंकि ये तो तामस सुख है और परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का सुख तीनों गुणों से अतीत है। संबंध अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। गर्ग मुनि के जो ये तीसरा प्रश्न किया था कि कौन देवता स्वप्नों को देखता है, उसका उत्तर महर्षि विप्लाद इस प्रकार देते हैं। इस स्वप्न अवस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूतियों का अनुभव करता है। इसका पहले कहा, जहाँ कहीं भी जो कुछ बार बार देखा सुना और अनुभव किया हुआ है, उसी को ये स्वप्न में बार बार देखता सुनता और अनुभव करता रहता है। परंतु ये नियम नहीं है कि जागृत अवस्था में इसने जिस प्रकार जिस ढंग से और जिस जगह जो घटना देखी सुनी और अनुभव की है, उसी प्रकार ये स्वप्न में भी अनुभव करता है। अपितु स्वप्न में जागृत की किसी घटना का कोई अंश किसी दूसरी घटना के किसी अंश के साथ मिलकर एक नए ही रूप में उसके अनुभव में आता है। अतः कहा जाता है कि स्वप्न काल में ये देखे और न देखे हुए को भी देखता है, सुने और न सुने हुए को भी सुनता है, अनुभव किए हुए और अनुभव न किए हुए को भी अनुभव करता है। जो वस्तु वास्तव में है उसे और जो नहीं है उसे भी स्वप्न में देख लेता है। इस प्रकार स्वप्न में ये विचित्र ढंग से सब घटनाओं का बार बार अनुभव करता रहता है और स्वयं ही सब कुछ बनकर देखता है। उस समय जीवात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती। गर्ग मुनि ने चौथी बात ये पूछी थी कि निंद्रा में सुख का अनुभव किसको होता है, उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं, जब निंद्रा के समय यह मन उदान वायु के अधीन हो जाता है, अर्थात उस जब उदान वायु इस मन को जीवात्मा के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित कर देता है, उस निंद्रावस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा स्वप्नों की घटना को नहीं देखता, उस समय निंद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। इस शरीर में सुख दुख को भोगने वाला प्रत्येक अवस्था में प्रकृतिस्थ पुरुष यथार्थ जीवात्मा ही है। गीता अध्याय 13वां 21वां श्लोक। गर्ग मुनि ने जो ये पांचवी बात पूछी थी कि
ये मन बुद्धि इंद्रिया और प्राण सबके सब किस में स्थित है, किसके आश्रित है, उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं। प्यारे गार्गे, आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण जिस प्रकार सायंकाल में लौटकर अपनी निवास भूत वृक्ष पर आराम से बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे बताए जाने वाले पृथ्वी से लेकर प्राण तक जिसने तत्व जितने तत्व है सबके सब परब्रह्म पुरुषोत्तम है, जो कि सबके आत्मा है, आश्रय लेते हैं क्योंकि वे ही इन सबके परम आश्रय हैं। इस मंत्र में ये बात कही है कि स्थूल और सूक्ष्म पांचों महाभूत दसों इंद्रिया और उसके विषय चारों प्रकार के अंतकरण और उसके विषय तथा पांच भेदों वाला प्राणवायु सबके सब परमात्मा के ही आश्रित है। कहना है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गंध तन्मात्रा, स्थूल जल तत्व और उसका कारण रस तन्मात्रा, स्थूल तेज तत्व और उसका कारण रूप तन्मात्रा, स्थूल वायु तत्व और उसका कारण स्पर्श तन्मात्रा, स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द तन्मात्रा, इस प्रकार अपने कारणों सहित पांचों भूत तथा नेत्र इंद्रिय और उसके द्वारा देखने में आने वाले वस्तुएं, श्रोत्र इंद्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जाना जा सकता है वह सब, घ्राणेन्द्रिय और उसके द्वारा सूंघने में आने वाला पदार्थ, रसना इंद्रिय और उसके द्वारा आस्वादन में आने वाले खट्टे मीठे आदि सब प्रकार के रस, त्वचा इंद्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करने में आने वाले सब पदार्थ, वाक इंद्रिय और उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्द, दोनों हाथ और उसके द्वारा पकड़ने में आने वाले सब वस्तुएं, दोनों पैर और उसके गंतव्य स्थान, उपस्थ इंद्रिय और मिथुन का सुख, गुदा इंद्रिय और उसके द्वारा त्यागा जाने वाला मलमूत्र और मल, मन और उसके द्वारा मनन करने में आने वाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जानने में आने वाले सब पदार्थ, अहंकार और उसका विषय, चित्त और चित्त के द्वारा चिंतन में आने वाले पदार्थ, प्रभाव और प्रभाव से प्रभावित होने वाली वस्तु एवं पांच वृत्ति वाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किए जाने वाले सब शरीर, ये सबके सब इसके कारणभूत परमेश्वर के ही आश्रित है। देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा संपूर्ण इंद्रियों और मन के द्वारा समस्त कर्म करने वाला जो ये विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, ये भी उन परम अविनाशी सबके आत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम ही स्थिति पाता है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ही इसे वास्तविक शांति मिलती है। इसके भी परम आश्रित वे परमेश्वरी हैं। ये निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य उन छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि सब रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी परमात्मा को जान लेता है, वह परम अक्सर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सौम्य जो कोई भी ऐसा है, यथा जो कोई भी उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। वह इस विषय में निम्नलिखित रुचा है। सबके परम कारण जिन परमेश्वर में समस्त प्राण और पांचों महाभूत तथा समस्त इंद्रिय और अंतकरण के सहित स्वयं विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ये सब आश्रय लेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वह सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ। चतुर्थ प्रश्न समाप्त।